कैश क्रेडिट लिमिट के मुद्दे नूं लैके पंजाब दीआं राजनीतिक पार्टियां दे विचार वक्खरे वक्खरे ने। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ते अकाली दल वल्लों वक्खरे वक्खरे राग इस मुद्दे ते अलापे जा रहे हैं, पर दूजे पासे पंजाब दीआं मंडियां च सरकार वल्लों खरीद बेशक शुरू कर दित्ती गई है, पर पंजाब दे किसानां नूं फसल की अदायगी हाले तक नहीं हुई। इसका एको एक कारण सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वल्लों पंजाब सरकार की कैश क्रेडिट लिमिट पास ना करना, जिस दे बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों इस मामले में निजी दखल दिता गया। मुख्यमंत्री दे दखल तो बाद पंजाब दी कैश क्रेडिट लिमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वल्लों पास कर दी गई है। इस लिमिट दे पास होने तो बाद पंजाब सरकार दे दावे ते अंकड़े की कहिंदे ने, आओ जान लैंदे आ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वल्लों पंजाब सरकार नूं 17,523 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए ने, यह पंजाब सरकार दा दावा है। इस दे बाद पंजाब दे फूड सप्लाई मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो दा दावा है कि सरकार वल्लों 2612.50 करोड़ रुपए किसानां लई अगे जारी कर दिए गए ने। पंजाब राज मंडी बोर्ड वल्लों 1826 केंद्रां उत्ते खरीद की जाती है। सारे दे सारे खरीद केंद्रां उत्ते मुकम्मल प्रबंधां दा दावा भी मंडी बोर्ड वल्लों किया जाता है। खुराक ते सिविल सप्लाई विभाग पंजाब वल्लों 66.55 लाख मीट्रिक टन कणक खरीदी गई है, जबकि भारतीय खुराक निगम वालों 9,99,974 लाख मीट्रिक टन कणक खरीदी गई है। प्राइवेट व्यापारियों वालों 9.33 लाख मीट्रिक टन कणक मंडिया चो खरीदी गई है। प्राइवेट व्यापारियों वालों ये खरीद लगातार जारी है। पंजाब मंडी बोर्ड का अनुमान है कि इस सीजन में पंजाब दीआं मंडियां विच कुल 108 लाख मीट्रिक टन कणक आने की संभावना है, जबकि साल 2015-16 पंजाब दीआं मंडियां च कणक की आमद 106.25 लाख मीट्रिक टन सी। खैर, तुसीं सरकार दे अंकड़े देखे जिन्हां च सरकार वल्लों कणक की खरीद लगातार किए जाण की गल की जा रही है, पर खरीद के अंकड़िया मुताबक पैसे सरकार वल्लों हाले तक रिलीज़ नहीं किए गए। किसानां लई हाले तक सरकार वल्लों 2612.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिस तो इंज जाप रहा है कि सरकार का 24 से 48 घंटे किसानों को अदायगी देने वाला वादा कितना कितने हवाई दावा है। सरकार वालों मंडियों प्रबंध मुकम्मल होने का दावा भी किया जा रहा है, पर यह दावे किन्ने कु सच्चे ने, यह सच जानने लिए शुरुआत करते हैं पंजाब के माझे खेते तो। पंजाब राज मंडी बोर्ड वालों किसानों दी सहूलतों लई प्रबंध मुकम्मल होने के दावे अक्सर ही किए जाते हैं, पर किसानों दी सहूलतों लई किए गए ये दावे अक्सर वेख्या जाता है कि सरकारी फाइलों तक ही सीमित रहते हैं। मंडियां च किसानां दे बैठण लई ना तां कोई जगह दा प्रबंध है ते ना ही पीण वाले साफ सुथरे पानी दा। अत दी गर्मी ते तिखी धुप दे विच भुखण पाणा मुल्क लई अनाज पैदा करन वाला किसान अपनी फसल विकण दा इंतजार करदा है। नुकसान ते बहुत हो रहा वा ते बादल साहब ते कई आंदे बड़ा प्रबंध कीता वा फसलां वास्ते, जिमीदारां वास्ते कोई प्रबंध नहीं हैगा। बादल साहब बैठे उत्थों करी जांदे आ, बहुत प्रबंध कर दिता, दाना दाना ये खराब ना देवे किसान का, कुछ इतना होया। बादल साहब तो उतो बैठे बयान दे जाते हैं कि प्रबंध मंडी का कर दिता वा कि जिमीदार का कोई नुकसान नहीं होगा, उस तरह ही नुकसान हो रहा। माझे च तां कुदरत की करोपी भी हुई ते जोरदार मीह ने सरकार के प्रबंधा की पोल भी बाखूबी खोली। किसान का कहना है कि फसल तो विक रही है पर अदायगी नहीं हो रही। गलबात इदा जी, सानू 3-3 दिन हो के कणक इतने मंडी च लियादी नूं आड़ती कह रहे कि सानू बारदाना नहीं मिल रहा, तो असं 3 दिन तो खज्जल खराब हो रहे हैं। घर पिछे साडे कोई माल डंगर सामने वाला भी नहीं है, ना ही सानू कोई इतने खर्चा मिल रहा वा। आड़ती कह रहे कि सानू अगों पैसा नहीं मिल रहा, और पंजाब सरकार ये गल कह रही कि अं 72 घंटे तो पहला ताड़ी जी पेमेंट है वो अदायगी करांगे, पर सानू अजे तक कोई पैसा नहीं मिल रहा, अं बहुत खज्जल खराब हो रहे हैं जी मंडी के। माझे दियां कई मंडियां च वारदाना तक नहीं है, जिस करके किसान सरकार दी कारगुजारी तो मायूस नजर आ रहे ने। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਣਕ ਸੁੱਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟੀਏ। ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਝੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।